What is up guys, my name is Nihar, welcome to my channel. So guys, India में सबसे ज़्यादा फ़ोन जो बिकते हैं वो है मिड रेंज सेगमेंट के, और guys, इंडिया का जो मिड रेंज सेगमेंट है फ़ोन्स का वो है 10,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक का. सो गाइज, आज की जो वीडियो है वो है ऑल अबाउट बेस्ट फोन्स अंडर 15,000 रुपीज. तो गाइज, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज, लिस्ट में जो सबसे पहला जो फोन है वो है Redmi Note 10s. तो गाइज, बात कर लेते हैं फोन्स के बारे में. तो गाइज, इस फोन में आपको देखने को मिलता है 6.4 इंचेस का एक फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है. एंड गाइज, आपको इस फोन का जो प्रोसेसर है वो है MediaTek का Helio G95 प्रोसेसर. एंड गाइज, आपको इस फोन में जो बैटरी मिल जाती है वो है एक 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी है. एंड गाइज, आपको इस फोन में जो कैमरा देखने को मिलता है वो रियर में क्वाड कैमरा का सेटअप है, एंड फ्रंट में 13 MP का एक सेल्फी शूटर कैमरा यहाँ पर है. एंड गाइज, आपको इस फोन में जो आपको वेरिएंट देखने को मिलेंगे वो है 664 एंड 128 GB. एंड गाइज, इस फोन का जो प्राइस जो स्टार्ट होता है वो होता है 14,999 रुपये से. अब देखो, हर फोन में ही प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. इस फोन में भी कुछ प्रोज हैं कुछ कॉन्स हैं. तो गाइज, इस फोन के जो प्रोज ये हैं कि ये जो फोन आपको देखने को मिलता है ये है एक लाइट वेट और एक स्लीक फोन है. सेकंड गाइज, इसका जो बैटरी है वो भी काफी अच्छा है. एंड गाइज, इस फोन का जो प्रोसेसर है वो भी काफी बढ़िया है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से. नेक्स्ट गाइज, इस फोन के जो कॉन्स ये हैं कि हमको सबको पता ही गाइज, जो रेडमी के जो फोन होते हैं उसमें बहुत ज्यादा ही एड्स आते हैं. तो गाइज, इस फोन में भी आपको स्पैमी मैसेज बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे. एंड गाइज, इस फोन का जो कैमरा है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से वो एवरेज है. नाउ गाइज, बात कर लेते हैं लिस्ट में सेकंड फोन के बारे में. तो गाइज, सेकंड फोन देखने को मिलता है वो है Redmi की तरफ से Redmi Note 10. तो गाइज, हम लोग को इस फोन में देखने को मिलता है 6.4 इंचेस का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले. एंड गाइज, इस फोन में जो प्रोसेसर है वो है Qualcomm Snapdragon 678 का. एंड गाइज, इस फोन में जो बैटरी देखने को मिलती है वो है 5000 mAh की, और इस फोन में जो कैमरा गाइज वो रियर में क्वाड कैमरा सेटअप है, एंड फ्रंट में 13 MP का शूटर यहाँ पर देखने को मिलता है. एंड गाइज, इस फोन में जो वेरियंट देखने को मिलते हैं वो है 4GB, 64GB, 6GB, 128GB. एंड गाइज, इस फोन की जो प्राइस स्टार्ट होती है वो होती है 12,499 रुपीज़ से. एंड गाइज, हर फोन में गाइज प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. सो गाइज, इस फोन का प्रोज ये है कि फोन जो है काफ़ी स्लीक है एंड लाइट वेट है. एंड गाइज, इस फोन में जो बैटरी भी काफ़ी देखने में अच्छी मिलती है. एंड गाइज, फोन का जो डिस्प्ले है वो भी गाइज काफ़ी अच्छा है, और इसका जो प्रोसेसर है वो भी गाइज काफ़ी अच्छा है. सेकंड गाइज, फोन में कॉन्स ये देखने को मिलते हैं कि फोन में काफ़ी ज़्यादा अनवांटेड स्पैमी मैसेज आते हैं. सेकंड गाइज, यहाँ पे इस फोन का जो कैमरा सेटअप है वो काफ़ी एवरेज परफॉर्म करता है. नाउ गाइज, बात कर लेते हैं लिस्ट में थर्ड नंबर फोन के बारे में. तो गाइज, हम लोग को जो थर्ड नंबर का फोन देखने को मिलता है वो है Moto G30. सो गाइज, हम लोग इस फोन में देखने को मिलता है 6.5 इंचेस का HD प्लस का एक डिस्प्ले देखने को मिल जाता है. गाइज, इस फोन में गाइज जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो है Qualcomm Snapdragon 662 का प्रोसेसर लगा हुआ है. एंड गाइज, आपको इस फोन में जो बैटरी देखने को मिलती है वो है 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी है. इस फोन में गाइज जो क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है रियर में. एंड गाइज, आपको फ्रंट में 13 MP का एक फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है. एंड गाइज, ये जो फोन है सिंपल एक ही वेरिएंट में आता है वो है 4GB एंड 64GB. एंड गाइज, इस फोन का जो प्राइस है वो है 11,000 रुपीज़. नाउ गाइज, बात कर लेते हैं इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में. तो गाइज, इस फोन के पहले प्रोज के बारे में बात कर लेते हैं. तो गाइज, हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाता है 90Hz का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है. सेकंड गाइज, यहाँ पर देखने को मिल जाता है IP52 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट. थर्ड गाइज, यहाँ पे मिल जाता है क्लीन एंड्रॉयड जो कि नियर बाई एकदम है स्टॉक एंड्रॉयड के. फोर्थ गाइज, यहाँ पे आपको जो उसका बैटरी है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है. एंड गाइज, फिफ्थ यहाँ पे मिल जाता है कि इसमें जो कैमरा है गाइज उससे जो आपको डिसेंट से आपको यहाँ पे प्रॉब्लम मिल जाती है. नाउ गाइज, बात कर लेते हैं इसके कॉन्स के बारे में. तो गाइज, ये जो फोन है वो बिग है और काफ़ी बल्की है. एंड गाइज, सेकंड यहाँ पे ये है कि फोन को अगर आप यूज़ करते हो रात में, इससे अगर फोटोज वगैरह खींचते हो तो गाइज आपको जो उसकी जो परफॉर्मेंस है उतनी अच्छी आपको देखने को नहीं मिलेगी. नाउ गाइज, बात कर लेते हैं लिस्ट में फोर्थ नंबर के फोन के बारे में. तो गाइज, जो फोर्थ नंबर का फोन है गाइज वो है पोको M3. सो गाइज, इस फोन में हमको देखने को मिल जाता है 6.53 इंचेस का एक HD प्लस का एक डिस्प्ले देखने को मिल जाता है. गाइज, इस फोन में गाइज जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो है Qualcomm Snapdragon 662 का प्रोसेसर लगा हुआ है. एंड गाइज, आपको इस फोन में जो आपको बैटरी मिल जाती है वो है 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी है. एंड गाइज, फोन में जो कैमरा देखने को मिलता है वो है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है रियर में, एंड फ्रंट में है 8 MP का कैमरा. एंड गाइज, ये जो वेरिएंट गाइज मिल जाता है फोन में वो है 664 एंड 128 GB. एंड गाइज, इस फोन की जो प्राइस स्टार्ट होती है 11,000 रुपये से. एंड नाउ गाइज, बात कर लेते हैं इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में. तो गाइज, इस फोन के प्रोज के बारे में पहले बात करें तो गाइज, इस फोन में हम लोग को डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है. एंड गाइज, आपको इस फोन में स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएंगे.
एंड गाइस इस फोन का कॉन्स ये है कि फोन जो है बड़ी है और काफी बल्की है। एंड गाइस इस फोन का जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो काफी एवरेज है। एंड नाउ गाइस अब बात करते हैं लिस्ट में फिफ्थ फोन के बारे में, तो गाइस वो है पोको X3। तो गाइस इस फोन में देखने को मिल जाता है हमें 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस की एक डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसमें गाइस जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का। एंड गाइस इसमें जो फोन में जो बैटरी देखने को मिलती है वो है 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी है। एंड गाइस फोन में जो कैमरा लगा हुआ है वो है क्वाड कैमरा सेटअप है रियर में। एंड गाइस फ्रंट में गाइस देखो 20 MP का आपको फ्रंट शूटिंग कैमरा देखने को मिलता है। एंड गाइस इसमें यहाँ पे जो फोन में जो वेरिएंट है वो है 664, 128 GB एंड 8 128 GB। एंड गाइस जो उसका फोन का जो प्राइस है वो है 15,000 rupees से स्टार्ट होता है। एंड गाइस इस फोन भी गाइस कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स हैं, तो गाइस पहले बात कर लेते हैं इसके प्रोज के बारे में। तो गाइस इस फोन में हम लोग को मिल जाता है देखने में काफ़ी अच्छा तगड़ा परफॉर्मेंस मिल जाता है इसके प्रोसेसर की वजह से। सेकंड गाइस इसकी जो बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। एंड थर्ड गाइस इस फोन में गाइस आपको जो स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है, इसका जो स्पीकर है वो काफ़ी अच्छा है। एंड गाइस इस फोन का कॉन्स ये है कि फोन जो है काफ़ी बल्की है और काफ़ी बड़ा है। एंड गाइस इस फोन में गाइस आपको काफ़ी ज़्यादा स्पैम मैसेज देखने को मिलेंगे रेडमी की तरफ से। एंड नाउ गाइस अब बात कर लेते हैं लिस्ट में सिक्स फोन के बारे में, तो गाइस सिक्स फोन जो है वो है रियलमी नार्जो 20 प्रो। तो गाइस हम लोग इस फोन में देखने को मिल जाता है 6.5 इंचेस का फुल एचडी प्लस वाला एक डिस्प्ले देखने को मिल जाता है गाइस। एंड गाइस आपको इस फोन में जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो है मीडियाटेक का हीलियो G95 प्रोसेसर है। एंड गाइस इस फोन में जो बैटरी है वो है 4500 mAh की बैटरी है, जो कि गाइस अगर कंपेयर करें हम लोग और भी बाकी फोन्स के साथ तो गाइस इसकी जो बैटरी है वो थोड़ी कम है। एंड गाइस यहाँ बात कर लेते हैं फोन के कैमरा के बारे में, तो गाइस हम लोग यहाँ पे क्वाड कैमरा का सेटअप मिल जाता है रियर में एंड 16 MP कैमरा सेटअप मिल जाता है फ्रंट में। एंड गाइस इस फोन में जो वेरिएंट देखने को मिलते हैं वो है 664, 128 GB या फिर 8 128 GB। एंड गाइस इस फोन का जो प्राइस स्टार्ट होता है वो होता है 14,999 से। एंड नाउ गाइस अब बात कर लेते हैं फोन के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके प्रोज से। सो गाइस हम लोग को फोन में देखने को मिल जाता है 90Hz का एक हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले में, जो काफ़ी अच्छी बात है। एंड गाइस यहाँ पे आपको इन द बॉक्स गाइस आपको मिल जाता है 65W का एक फास्ट चार्जर, जो बहुत बड़ी बात है। थर्ड गाइस इस फोन का जो परफॉर्मेंस है गाइस ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। गाइस इस फोन के कौन से बारे में बात करते हैं गाइस, अगर आप लो लाइट में अगर आप इससे फोटोग्राफी करते हो वीडियोग्राफी करते हो तो गाइस इसके जो परफॉर्मेंस है वो उतने अच्छे नहीं है, एवरेज है। एंड नाउ गाइस अब बात कर लेते हैं लिस्ट के आखिरी फोन के बारे में, और गाइस वो है रियलमी 7। तो गाइस हम लोग इस फोन में देखने को मिल जाता है 6.5 इंचेस का फुल एचडी प्लस वाला एक डिस्प्ले गाइस देखने को मिल जाता है। एंड गाइस आपको इसमें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो है मीडियाटेक का हीलियो G95 प्रोसेसर लगा हुआ है। एंड गाइस इस फोन में जो बैटरी है वो है 5000 mAh की बड़ी बैटरी है। एंड गाइस इस फोन में जो कैमरा सेटअप है वो है क्वाड कैमरा रियर में। एंड गाइस फ्रंट में है 16 MP का। एंड गाइस फोन के जो वेरिएंट है वो है 664 या फिर 8 128 GB। एंड गाइस इस जो फोन स्टार्ट होता है 14,000 रुपये से। एंड नाउ गाइस अब बात कर लेते हैं इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, तो गाइस स्टार्ट करते हैं इसके प्रोज से। तो गाइस हम लोग को इस फोन में देखने को मिल जाता है 90Hz का एक हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है डिस्प्ले में। गाइस इस फोन का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो गाइस काफ़ी अच्छा है। गाइस इस फोन में जो बैटरी लाइफ है गाइस वो भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। एंड गाइस फोन का जो आपको फील है हाथ में लेने पे वो गाइस काफ़ी स्टडी है, काफ़ी अच्छा फील होता है। एंड गाइस आपको इस फोन में जो का जो कैमरा का जो परफॉर्मेंस है वो भी गाइस काफ़ी डिसेंट सा है। एंड नाउ गाइस अब बात कर लेते हैं इस फोन के कॉन्स के बारे में, तो गाइस ये जो फोन है काफ़ी हैवी है और काफ़ी थिक है। एंड गाइस इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो और भी इम्प्रूव हो सकती थी। एंड गाइस इस फोन में आपको 4K का सपोर्ट तो मिलता है, बट गाइस आपको इस 4K में कोई भी स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। सो गाइस ये थे मेरे फोन्स के लिस्ट बेस्ट अंडर 15,000 rupees के। आई होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी है। एंड गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करना, अगर गाइस आपके कोई सजेशन वगैरह हैं तो प्लीज़ एक कॉमेंट जरूर मुझे बताना। टिल देन गाइस सी यू नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़।